सुजानपुर के आपदा प्रबंधक बोर्ड के पूर्व उपाध्यक्ष और वर्तमान विधायक राजेंद्र राणा द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान युवाओं के द्वारा अपनी सेवाएं देने के लिए उपमंडल अधिकारी के कार्यालय में जान की परवाह किए बिना अपनी सेवाएं देने पर उन्हें सर्व कल्याणकारी संस्था द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें लगभग 20 युवाओं को सेवाएं देने के लिए सम्मानित किया गया। उन्होंने बताया कि राजेंद्र राणा द्वारा उन्हें जो सम्मान किया गया है वो काफी दिल से उनके शुक्रिया अदा करते हैं। राणा ने बताया कि इन 20 युवकों की प्रेरणा लेकर अन्य युवाओं को भी इस महामारी के दौर में अपनी सेवाएं देनी चाहिए और देश के लिए कुछ करने की चाहत हो तो इस मंच पर कार्य कर सकते हैं। उपमंडल अधिकारी शिल्पा बेगटा ने बताया कि युवाओं को अपने बेहतरीन कार्य के लिए सम्मानित किया गया। जिस दौर में लोग अपने घरों से नहीं निकल रहे थे तो इन युवाओं ने एक दल बनाकर घर द्वार लोगों के घर जाकर राशन पहुँचाया और लोगों को आ रही समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भरपूर प्रयास किया, जिसमें से कुछ युवाओं ने अपने अपने कार्यों को बांट लिया था। जिसमें से कुछ युवा लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ा रहे थे तो कोई भूखे को खाना खिलाते नजर आ रहे थे। इन युवाओं के चर्चे पूरे शहर में बने हुए थे, जिसके लिए ये सम्मान के पात्र थे, जिसके लिए विधायक राजेंद्र राणा द्वारा इन्हें सम्मानित करके बेहतरीन कार्य किया गया है। कि कोविड-19 जो है और उसमें जो महामारी कोरोना महामारी जो आई है, इसमें सुजैनपुर SDM मैडम के माध्यम से एक 20 लोगों की वॉलंटियर्स की टीम बनी थी और सभी लोगों ने इस बात की तारीफ करी है कि इन्होंने कोविड-19 के दौर में लोगों की भरपूर प्रयास किया है, भरपूर सेवा की है। और इनकी सेवा भावना को देखते हुए मैंने आज अपनी सर्व कल्याणकारी संस्था की तरफ से इनको सम्मानित किया है, ताकि समाज में एक संदेश जाए कि जो अच्छा काम करे उसको सम्मानित किया जाए और लोगों को दूसरों को प्रेरणा मिले। इसलिए मुझे खुशी इस बात की है कि इन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी लोगों की सेवा में डटे रहे और ऐसे लोग जो भी लोग इस दौरान जो सेवा में हैं, ऐसे लोगों को समाज में सम्मानित किया जाना चाहिए। और मैं बाकी के नौजवानों को भी इस मौके पर यही कहना चाहता हूँ कि जो नौजवान है वो सेवा के लिए हमेशा आगे आए और जो सेवा करता है उसकी समाज में जो है वो मान सम्मान बढ़ता है और लोग उसकी तारीफ करते हैं। मैं फिर से इन सभी नौजवानों को शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य में भी ऐसे नेक काम करते रहें